नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक एवं मनोरंजक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक सुनिवेश नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है थीम आधारित उपस्थिति। इस वीडियो में मैं आपको NCERT के गणित विषय के पाठ क्रमांक 4.10 पाठ का नाम पैटर्न के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस नवाचार को पाठ के साथ संकलित करके किस प्रकार से कक्षा में क्रियान्वयन हम कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरी जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज्यादा विद्यार्थी हैं, तो आप उनके अनुसार समय को निर्धारित भी कर सकते हैं। अब शुरुआत करने से पहले हम इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता को भी जान लेते हैं। तो विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते समय अनुक्रमांक या नाम के स्थान पर पाठ से जुड़े शब्द को बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं एवं पुनः अध्ययन भी कर सकते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट को दीर्घकाल तक याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो यह था इस नवाचार की नवीनता। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया को हम कक्षा में क्रियान्वयन कैसे करेंगे, तो इसको एक उदाहरण से भी समझेंगे। क्योंकि इसका नाम थीम आधारित उपस्थिति है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट और थीम जरूर होगी। इसकी जो थीम है वह है पैटर्न, चित्र पैटर्न एवं संख्या पैटर्न। तो इस पैटर्न्स के जो नाम हैं, जैसे गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार, तो इन ये जो पैटर्न्स के नाम है, इन नाम को उच्चारण करके विद्यार्थी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएगा इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब बात करते हैं कि शिक्षक को इसमें पूर्व प्रबंधन में क्या करने की आवश्यकता है। तो शिक्षक को पूर्व प्रबंधन में किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निर्देश देने की आवश्यकता है कि सभी विद्यार्थी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते समय अपने अनुक्रमांक या नाम के स्थान पर इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कोई एक शब्द बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे एवं जो भी उत्तर देंगे, जो भी शब्द का उच्चारण करेंगे, बड़े ही धैर्यपूर्वक एवं मुस्कुराहट के साथ ही उत्तर देंगे। यह निर्देश शिक्षक अपनी कक्षा में जरूर देंगे। अब उदाहरण के साथ देखते हैं कि आखिर किस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं, किस प्रकार से विद्यार्थी अपने देंगे उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मान लीजिए शिक्षक अनुक्रमांक के आधार पर उपस्थिति दर्ज करता है और जैसे ही वह अनुक्रमांक एक बोलता है, तो अनुक्रमांक एक वाला विद्यार्थी अपनी जगह पर खड़े होकर किसी एक पैटर्न का नाम बताएगा, जैसे गोलाकार, और वह अपनी स्थान पर बैठ जाएगा। या फिर गोलाकार के साथ साथ वह एक उदाहरण भी दे सकता है कि मान लीजिए बॉल जो खेलने, क्रिकेट की जो बॉल होती है वह गोलाकार होती है। तो इसी प्रकार से अन्य जो उदाहरण है, अनुक्रमांक दो, तो अनुक्रमांक दो बोलेगा वर्गाकार, तो वर्गाकार के साथ वह एक उदाहरण भी लगा सकता है, जैसे इस स्कूल की जो खिड़की है वह वर्गाकार है। या फिर तीसरा जो अनुक्रमांक है बोलेगा आयताकार, तो आयताकार क्या है, इस कक्षा का जो दरवाजा है वह आयताकार है। तो इस प्रकार से हम पैटर्न्स की जो पहचान है वह विद्यार्थियों को करा सकते हैं, साथ ही साथ उनको यह भी बता सकते हैं कि जो उपस्थिति दर्ज कराते समय जो उनमें नीरसता रहती है, वह अपने कामों में लगे रहते हैं, अपनी बातों में लगे रहते हैं, तो वह जो समय है वह उनका पूरे तरीके से उत्सुकता में जाएगा कि आखिर उनको क्या बोलना है, इसकी तैयारी में वह पूरा समय अपना खर्च करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे पाठ का पुनराभ्यास भी हो जाएगा जो हमने पिछली बार उनको पढ़ाया था, जिसके लिए हम उनकी उपस्थिति का जो पुनराभ्यास करा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देखें एवं अपनी अपनी कक्षा में इसको क्रियान्वयन जरूर कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।